श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 26। अध्याय 25 में हम सुन चुके हैं कि जब राजा प्राचीन वरही के पुत्र तपस्या के लिए चले जाते हैं तो राजा प्राचीन वरही कर्म कांडों में बहुत उलझ कर रह जाते हैं। उन पर कृपा करने के लिए नारद मुनि वहां आते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं। भक्ति का प्रचार करने के लिए नारद जी से ज्यादा एक्सपर्ट शायद ही कोई और होगा। उनको पता होता है कि किस प्रकार किसको उपदेश देना है और उसको भक्त बनाना है। नारद जी ने यह जान लिया कि इस समय इनका मन कर्म कांड और इंद्रिय तृप्ति के चीज़ों में लगा हुआ है, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए एक उपाख्यान सुनाना प्रारंभ किया था जो अगले कुछ अध्यायों तक चलता रहेगा। इसे पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामत संघ के संस्थापक श्रील प्रभुपाद अपनी टीका में इस स्कंद के कई श्लोकों की, जो उन्होंने बहुत सुंदर टीकाएं लिखी हैं, उनमें वो कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। पुरम का अर्थ होता है कि विद इन दिस बॉडी, अर्थात इस शरीर में स्थित, और जन का मतलब होता है लिविंग एंटिटी या जीवात्मा। तो इस दृष्टि से हम सब पुरंजन हैं, हम सब अपने शरीर के राजा हैं और हमें ये पूरी अनुमति है कि हम इसका जैसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश हम में से अधिकतर, लगभग 100% भी कह सकते हैं, क्योंकि भक्तों की संख्या तो इतनी कम है कि वो गिनती में आ जाएगी, तो 100% कह सकते हैं, यूज केस के लिए करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए। उसका कारण यह है कि हमको इससे बड़ा लक्ष्य और कुछ समझ में ही नहीं आता। यह लगभग हर उस व्यक्ति की दशा है जो आत्मा को नहीं समझता और अपने शरीर को ही मैं मानकर बैठा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है उसको पुरंजन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब शायद आपको भी समझ में आने लगा होगा कि क्यों उस नगर के 9 द्वार बताए गए थे पिछले अध्याय में और उस स्त्री के 10 मित्र बताए गए थे। ये सब हमारे शरीर के ही उपलक्षण हैं और धीरे धीरे करके ये सब बातें आगे आने वाले अध्यायों में आने वाली हैं। तो हमको अब इस सोच के साथ में, इस समझ के साथ में इन आने वाले कुछ अध्यायों को सुनना है और अपनी वास्तविक स्थिति जो हमारी यहाँ पर है उसको समझने का प्रयास करना है। अब हम 26वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन का शिकार खेलने के लिए वन में जाना और उनकी रानी का कुपित होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकश धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न करके वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे। व्यर्थ पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर
विवेक बुद्धि से नष्ट हो जाने के कारण अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाड़ों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्वक जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे उसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त होकर कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय से आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन बरही, तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतापुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के साथ दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन, देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड न देता हो। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर अनुग्रह करने के लिए ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भावों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूं। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा विम्ब फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार करने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूं। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, वह अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत 26वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।